Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. जब भगवान महावीर स्वामी ने अपने भीतर का अज्ञान जान लिया, ता अज्ञान पूर्णता से जान लिया, तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया। जिसको अपना अज्ञान दिखलाई पड़ता है उसको ज्ञान हो जाता है, जिसको अपना अज्ञान दिखलाई नहीं पड़ता है उसको ज्ञान नहीं होता है। कहानी कौन कौन सुनना चाहता है? सभी लोग? चलो एक कहानी सुनाते हैं। यूनान का एक नगर था जिसका नाम था एथेंस। उस एथेंस नगरी के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुकरात। किसी ने सुकरात का नाम सुना? सोक्रेटिस। वो सुकरात दिखने में बड़ा अजीबोगरीब था, काला, इसका फोरहेड एकदम चपटा, आंख एकदम छोटी, नाक भी एकदम भोंडी सी, लिप्स इतने मोटे मोटे, मोटा था और एक लबादा सा बड़ा सा कपड़ा ओढ़ के रखता था। बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते थे, लेकिन कुछ लोग जो उसकी बातें सुनते थे वो बड़े हैरान होते थे कि इतना अजीबोगरीब इंसान कैसे है हम इंसानों के बीच में, ये नॉर्मल बात तो करता ही नहीं। ये हुआ सुकरात का छोटा सा चित्रण। उस एथेंस नगरी के अंदर एक देवी थी। हर गांव नगर में कोई ना कोई कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, ग्राम देवती होती है ना। जैसे आपके राहता गांव के अंदर वीरभद्र नाम के नगर देवता है ना। उस एथेंस नगरी में भी एक देवी थी। वो देवी साल में एक बार दर्शन दिया करती थी और जब वो दर्शन देती थी तो उसे जो भी सवाल करो वो सवाल का जवाब दिया करती थी। और वो एक दिन ऐसा होता था जब नगर भर के सारे लोग उस देवी मंदिर में जाते थे, उस देवी की आराधना, पूजा, अर्चना किया करते थे और अपने अपने सवाल उनके सामने रखा करते थे। जैसे आपके नगर में कल और परसों पिछले दो दिन में एक बहुत बड़ा मेला था, उत्सव था, सब लोग नगर देवता को यात्रा निकाली, वंदना करने गए थे ना। ऐसे ही उस नगर में भी होता था। इस साल जब एथेंस नगरी के अंदर उस देवी की अर्चना का दिन आया, लोग पहुंचे और लोगों के एक समूह ने हमारे नगर में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, हमारे नगर में महान ज्ञानी कौन है। देवी बोली, आपके नगर में सुकरात है जो सर्वोच्च ज्ञानी है। लोगों ने पूछा, कौन है ये सुकरात? आपस में कानाफूसी होने लगी। किसी ने देखा क्या सुकरात को? कोई जानता है क्या सुकरात नगर में कहाँ रहता है, किस गली में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, उसके पड़ोसी कौन है? किसी को सुकरात के बारे में पता है? वो बिजनेसमैन है, वो डॉक्टर है, वो क्या है, कौन जानता है उसको? तो बहुत सारे लोगों ने कहा, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हमने कभी नाम ही नहीं सुना। सुकरात नाम का कोई व्यक्ति है ही क्या हमारी नगरी में? हमें पता नहीं है। पर किसी एक आदमी ने बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वो उस मोहल्ले के बाहर रहता है, शायद वही सुकरात, एक झोपड़ी में कोई आदमी रहता तो है, हाँ उसकी एक पत्नी भी है, शायद वही सुकरात है। लोग पहुंच गए अगले दिन उसका घर का एड्रेस लेकर के और सुकरात को जाके प्रणाम किया और बोले, धन्य हुए जो हमने आपके दर्शन पाए, आप इस नगरी में महान ज्ञानी है, सर्वोच्च ज्ञानी है। सुकरात बोला, जी आपसे भूल हो गई होगी, आपको किसी और एड्रेस पे जाना होगा, गलती से मेरे एड्रेस पर आ गए हो। तो लोग बोले, ऐसा नहीं हो सकता, आप बताओ आपका नाम सुकराती है ना? कि हाँ मेरा नाम सुकराती है, लोग मुझे सुकरात के नाम से जानते हैं।
तो कहा जब आप सुकरात हो तो देवी ने कहा है कि आप इस नगर में सर्वोच्च ज्ञानी हो। सुकरात बोले, आपकी देवी से कुछ गलती हो गई होगी या सुकरात नाम का कोई अन्य व्यक्ति इस नगरी में होगा, क्योंकि मैं तो ज्ञानी नहीं हूं। आप कृपा करें दोबारा उस देवी से पूछे कि वो कौन सुकरात है जो ज्ञानी है। लोग गए, देवी से सवाल किया। देवी पर प्रकट होकर बोला, ये वही सुकरात है जो ज्ञानी है जिससे तुम मिलकर आए हो। लोग दोबारा सुकरात के पास पहुंचे। सुकरात को बोले, आप ही वो ज्ञानी हो। सुकरात बोला, देवी से भूल हो गई होगी, हकीकत में मैं ज्ञानी नहीं हूं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल अपने अज्ञान को जानता हूं। मैं केवल अपने अज्ञान को जानता हूं कि मुझ में कितना अज्ञान है। वो लोग वापस देवी के पास गए। देवी को बोले, ये आपने तो कहा था सुकरात ही ज्ञानी है, तो सुकरात तो कह रहा है कि मैं किसी ज्ञान को नहीं जानता, मैं तो केवल अपने अज्ञान को जानता हूं। कहानी समझ आ गई? आ गई? सुकरात बोले, मैं केवल अपने अज्ञान को जानता हूं। तो देवी ने कहा, वही ज्ञानी है जो अपने अज्ञान को जानता है, वही काबिल है जो अपनी गैर काबिलियत को भी पहचानता है, वही समझदार है जो अपनी सारी नादानियों को भी जानता है, जो अपने भीतर की सारी मूर्खताओं को भी पहचानता है, वह समझदार है। वह ज्ञान पाने का पात्र है जो अपने भीतर की अपात्रता से परिचित है, जो अपने भीतर की अपात्रता से अयोग्यता से परिचित है, वही ज्ञान पाने के योग्य पात्र है। तो सुकरात सर्वोच्च ज्ञानी है, लेकिन सुकरात क्या कह रहे हैं, मैं तो अपने अज्ञान को जानता हूं और मैं जितना जानता हूं उतना ही मेरा अज्ञान मुझे बहुत दिखलाई पड़ता है, और जब अज्ञान दिखलाई पड़ता है तो मैं ज्ञानी कैसे हुआ। पर देवी कहती है, वही तो ज्ञानी है, क्योंकि बाकी सारी दुनिया के लोग तो अपने अज्ञान को ही नहीं जानते। सब अज्ञानी लोग ये मानते हैं कि हम ज्ञानी हैं, जैसे कि हम सभी लोग ये मानते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, हम समझदार हैं, हम महान हैं। हम सब अपने बारे में कितना बड़ा भ्रम पाल के बैठते हैं, नहीं? हमारे पास तरह तरह के भ्रम और धारणाएं होती है, लेकिन ज्ञानी कौन है? जिसके पास कोई भ्रम नहीं, कोई धारणा नहीं, जो अपने अज्ञान के प्रति विनम्र है, वो ज्ञानी है। तो महावीर स्वामी केवल ज्ञानी कैसे हुए? महावीर स्वामी अपने अज्ञान को जानते गए, जानते गए, जानते गए, अपने अहंकार को जानते गए, जानते गए, जानते गए, अपने बंधनों को जानते गए, जानते गए, जानते गए, और जैसे जैसे वो बंधनों को जानते गए, बंधन टूटते गए, टूटते गए, और वे केवल ज्ञानी हो गए। जय हो।